हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनू, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेसन. एल्फी. एल्फी वॉज अ स्मॉल ड्रैगन हु लिव्ड विद हिज मदर इन अ डीप केव ऑन अ माउंटेन साइड. एल्फी'स मदर हाना was a full-grown dragon, and like all dragons, she was an enormous and fearsome creature. Her large body was covered with shiny scales, and her tail was thick and long. Her back was covered with sharp spikes, and her yellow eyes bulged from her head. अब देखिए, एल्फे जो है ड्रैगन है. देख रहे हो आप, पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पिक्चर्स बनी हुई. एक स्मॉल ड्रैगन है, यानी कि वो बच्चा है. ठीक है, वो अपनी माँ के साथ रहता है माउंटेन साइड में. माउंटेन पे रहता है, उसमें एक केव है, गहरी सी गुफा है, गुफा के अंदर वो रहता है. उसकी माँ का नाम क्या है? हाना. हाना जो है वो एडल्ट ड्रैगन है. एडल्ट ड्रैगन मीन्स पूरा ग्रोन, पूरा जो बड़ा हो जाता है ड्रैगन. जैसे कि आपके मम्मी पापा एडल्ट्स हैं, वैसे ही एल्फे की मदर जो थी वो पूरी तरह से एक बड़ा ड्रैगन थी. और दूसरे ड्रैगन जिस तरह वो बहुत ही बड़ी, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, एंड फियरसम क्रीचर. फियरसम क्रीचर मीन्स डरावना पशु क्रीचर. ठीक है, उसकी तरह थी. हर लार्ज बॉडी वॉज कवर्ड, उनकी जो बड़ी सी बॉडी थी उस पर चमकदार स्केल्स थे. स्केल्स आप जानते हो, जैसे शल्क जिसे कहते हैं, आपने ये सब फिश के ऊपर भी देखे होंगे. हर टेल वाज थिक, उसकी जो टेल थी वो थिक थी और लंबी थी. और उनकी बैक पे बहुत सारे स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मतलब कांटे. और येलो आइज थी उनकी. हाना की आइज कैसी थी? येलो. और वो उनके हेड से बाहर की तरफ निकली हुई थी. Hana was a real fierce fire-breathing dragon, and when she roared, her nostrils flared and hot tongues of fire floated into the air. When she was not practicing fire-breathing or dragon roars, Hana used to sleep in the cave. Hana जो थी वो real में fire-breathing dragon थी. मतलब जब वो तेज सांस लेती थी या फुफकारती थी, रोर का मतलब फुफकारना, जोर से दहाड़ना भी कह सकते हो आप. उनके नॉस्ट्रिल्स का मतलब नाक के अंदर जो छेद होते हैं, नथुने, उसमें से गरम और जैसे आग, और जब जबान से आग निकलती थी, गरम हवा निकलती थी. और जब वो इस सब की प्रैक्टिस नहीं कर रही होती, फायर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही होती थी, या तो वो ये फायर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही होती थी, और ड्रैगन या ड्रैगन जब दहाड़ते थे, हाना क्या करती थी? वो ज़्यादातर स्लीप सोती थी. कहाँ पर? गुफा में. लिटल एल्फे हु वाज टू स्मॉल टू ब्रीथ फायर और रोर सून बिकेम वेरी बोर्ड. अब जो छोटा बच्चा है, यानी एल्फे है, वो उसको अभी आता नहीं था फायर की तरह ब्रीथ करना या दहाड़ना, तो वो इसलिए वो बोर हो जाता था. लाइफ इन द केव विद ओनली हिज मम्मी फॉर कंपनी वाज वेरी डल. अब उस गुफा में जो लाइफ थी उसकी, सिर्फ अपनी मम्मी के साथ बहुत डल लगती थी, बोरिंग लगती थी उसको. और वो बहुत लाइवली था, मतलब खुशनुमा था उसका नेचर, प्रेजेंट नेचर था. और वो लॉन्ग फॉर सम फ्रेंड्स टू प्ले, वो चाहता था कि उसके साथ कुछ फ्रेंड्स हों जिसके साथ कि वो खेले. ओकेजनली ही वुड कीप लुकिंग आउट ऑफ द केव एट द वैली बिलो, और कई बार बीच में से निकल के वो अपनी केव में से निकलकर, गुफा में से निकलकर नीचे वैली में देखा करता था. ओह ही सेड वन डे, एक दिन वो कहता, ओह इट सीम्स लाइक फन डाउन देयर, कि वहां कुछ मजे का कुछ हो रहा है. I could go there too. वो कहते कि काश मैं भी वहां जा पाता. Nonsense. हाना जोर से उसको मतलब डांटती है, चिल्लाती है उसकी मम्मा. Dragons do not want to have fun. Dragons को मजा नहीं करना होता है. Dragons मजा नहीं करते. They
वॉन्ट टू ब्रीद फायर एंड टेरिफाई पीपल. वो सिर्फ सीखते हैं फायर किस तरह से सांसों में से निकालनी है और लोगों को डराना है. जस्ट यू वेट टिल यू ग्रो अप एंड कैन डू इट टू. थोड़ा वेट करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी ये सब कर पाओगे. एल्फी बहुत निराश हो गया जब उसने ये सब सुना, बट ही वॉज वेरी डिटर्मिंड लिटल ड्रैगन. वो बहुत दृढ़ संकल्प वाला ड्रैगन था और वो पक्का निश्चय उसने करा हुआ था. वन डे व्हेन हाना वॉज अस्लीप, एक बार जब हाना सो रही थी तो धीरे से गुफा से बाहर निकला चुपके से और ऐसी कुट जैसा वो कर पा रहा था उसने किया. ही हरिड डाउन द माउंटेन पाथ एज क्वाइटली एज कुड ही कुड और जल्दी जल्दी से वो पर्वत से नीचे उतरा. ड्रैगिंग हिज टेल विच वॉज वेंट बम्पटी बम्प हिम बिहाइंड हिम, जो कि जैसे ऊपर नीचे उछलती हुई सी, जैसे वो पहाड़ के साथ टकराती हुई नीचे उसके साथ साथ आ रही थी. सून ही केम टू द रोड, रोड पर आ गया जल्दी ही और उसने देखा एक छोटा सा आदमी पुशिंग अ वैगन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड रिंगिंग अ बेल. क्या देखा कि वो एक छोटी सी वैगन को है ना धकेल रहा है और एक घंटी बजा रहा है. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस मस्ट है, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी और आपको लाइव क्लासेस में पढ़कर ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स. आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना लाइव क्लासेस में आइए. थैंक यू.